नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पटना पुलिस लाइन में हुए हंगामा और उपद्रव मामले में 20 अधिकारी समेत 92 जवानों का राजधानी से बाहर किया गया तबादला। हंगामे के बाद बर्खास्त 175 सिपाहियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू। प्रदेश के किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हरनौत और बख्तियारपुर के बीच होगी डेंटल कॉलेज की स्थापना। राजधानी पटना स्थित पुलिस लाइन में 3 दिन पूर्व हुई हिंसा और हंगामे के बाद 20 पुलिस अधिकारी समेत सिपाही स्तर के 92 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक KS द्विवेदी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। तबादला किए गए पुलिसकर्मी काफी अरसे से पुलिस लाइन में पदस्थापित थे। मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसी घटना फिर कभी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिपाहियों का प्रशिक्षण अब किसी भी पुलिस लाइन में नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजगीर में काफी स्थान है जहां पर प्रशिक्षण कराएं या उन BMP परिसरों को चिन्हित करें जहां पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो। इस मामले में बर्खास्त 175 सिपाहियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने आरोपितों के खिलाफ वारंट लेने के लिए न्यायालय में आवेदन देने का निर्णय लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने बताया कि आरोपित अगर अविलंब आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ इश्तेहार जारी किया जाएगा और आवश्यकता हुई तो कुर्की जब्ती तक की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के किसानों को बिजली कंपनी निःशुल्क कृषि कनेक्शन देगी। कंपनी की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष SK नेगी और सदस्य RK चौधरी ने मंजूरी दे दी है। आयोग के निर्णय के बाद किसानों को आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिजली से पानी पटाने वाले किसानों को आसानी होगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि जमानती राशि के रूप में लगने वाले 400 रूपये भी किश्तों में लिए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अभी तक किसानों को कनेक्शन लेने के लिए कई प्रकार के दस्तावेज जमा करने पड़ते थे और जटिल आवेदन पत्र भरना पड़ता था, लेकिन अब किसानों को एक ही पहचान पत्र देना होगा और आवेदन पत्र को भी सरल बना दिया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने राज्य के सूखा क्षेत्रों में पशुओं के लिए पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में 2 स्थानों पर पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। विभागीय मंत्री विनोद नारायण झा ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारियों को स्थल चयन कर जल्द सूचना भेजने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित स्थान पर पंप स्टेशन खोला जाएगा जहां पर पशु आसानी से पानी पी सकें। राज्य में बच्चों और किशोरों के प्रति होने वाले अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय में किशोर न्यायालय सचिवालय के गठन का निर्णय लिया है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय की ओर से किशोर न्याय के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई और उससे जुड़े सभी मामलों की समीक्षा तथा दिशा निर्देश किशोर न्यायालय के माध्यम से लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय किशोर न्यायालयों से मिले सभी रिकॉर्ड इस सचिवालय में सुरक्षित रखे जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हरनौत और बख्तियारपुर के बीच एक डेंटल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। श्री कुमार ने कहा कि पावापुरी में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज जबकि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक ऐसा जिला नालंदा है जहां देश दुनिया के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी और दहेज उन्मूलन पर विस्तार से चर्चा करते हुए लोगों से सरकार को सहयोग करने की अपील की। राज्य का दूसरा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दरभंगा में खोला जाएगा। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से निर्देश दिया गया था कि राज्य के मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए एक और आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाए। प्रदेश में धनतेरस पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। आंकड़ों के अनुसार व्यवसायियों ने लगभग 1,312 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। व्यवसायियों के अनुसार कार बिक्री में 220 करोड़, मोटरसाइकिल में 85 करोड़ और अन्य वाहनों में 45 करोड़ रुपए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामानों में 335 करोड़ की खरीद
हुई है। वहीं 40 करोड़ रुपए का मोबाइल फोन कारोबार हुआ है। लोगों ने 80 करोड़ रुपए के बर्तन और 35 करोड़ रुपए का फर्नीचर भी खरीदा है। इधर सराफा व्यवसाय में 390 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जिसमें सोने चांदी के गहने समेत अन्य सामान की बड़े पैमाने पर खरीददारी हुई है। प्रदेश के मापतौल विभाग ने राज्य के 37 व्यवसायियों पर मापतौल में गड़बड़ी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। विभाग के निदेशक ने बताया कि दीपावली और धनतेरस पर्व पर लोगों को सामान का उचित वजन मिले, इसके लिए यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में 460 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 280 को नोटिस जारी किया गया है। निदेशक ने कहा कि मापतौल निदेशालय को कंट्रोल रूम गठित करने का निर्देश दिया गया है, जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने राज्य में बगैर निबंधन कराए अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डरों को नोटिस भेजा है। रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा ने बताया कि अगर कोई भूमि का टुकड़ा 5 कट्ठे का हो और उसे 5 व्यक्ति को 1-1 कट्ठे जमीन बेची गई हो, फिर भी बिल्डर निबंधन के दायरे में आएंगे। उन्होंने बताया कि रेरा ने निबंधन नहीं कराने वाले रियल एस्टेट एजेंटों के खिलाफ जुर्माने का भी प्रबंध किया है। राज्य के ग्राम कचहरी के संचालन और मामलों की सही सुनवाई के लिए पंचों और सरपंचों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करार के बाद प्रशिक्षण का एक विस्तृत मॉड्यूल तैयार किया है। इस मॉड्यूल के आधार पर ही संबंधित मामलों के विशेषज्ञ पंचों और सरपंचों को प्रशिक्षण देंगे। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। पारे में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हवा में आर्द्रता बढ़ गई है, लेकिन पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया सहित कुछ शहरों का तापमान अभी भी सामान्य के आसपास ही है। वैज्ञानिकों ने बताया कि नमी बढ़ने से लोगों को सुबह और शाम में ठंड महसूस होगी, लेकिन दिन में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की अंजनी ने रजत पदक प्राप्त किया है। अंजनी ने जेवलिन थ्रो में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। पटना में संपन्न बिहार राज्य जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जहानाबाद ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में जहानाबाद ने नवादा को 23-21 से हरा दिया। पटना में खेली जा रही जिला सीनियर शतरंज प्रतियोगिता में राहुल कुमार और विवेक शर्मा 4-4 अंक लेकर शीर्ष पर बने हुए हैं। पटना जिले के मनेर और बाढ़ में स्नान करने के दौरान गंगा नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बेउर में पुलिस की गोली से युवक मरा। दैनिक जागरण ने धनतेरस पर की गई खरीदारी को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, पटना ने की ₹600 करोड़ की शॉपिंग। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान, हरनौत बख्तियारपुर के बीच डेंटल कॉलेज की स्थापना जल्द को बड़ी खबर बनाया है। दैनिक भास्कर ने स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत की पहली अभ्यास गश्ती पर शीर्षक दिया है, परमाणु त्रिकोण पूरा, धरती, आकाश व समुद्र से परमाणु हमले कर सकेगा भारत। और अब अंत में मुख्य समाचार। पटना पुलिस लाइन में हुए हंगामे और उपद्रव मामले में 20 अधिकारी समेत 92 जवानों का राजधानी से बाहर किया गया तबादला। हंगामे के बाद बर्खास्त 175 सिपाहियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू। प्रदेश के किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हरनौत और बख्तियारपुर के बीच होगी डेंटल कॉलेज की स्थापना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री ने कहा, परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत की सफलता, परमाणु ब्लैकमेल करने वालों को करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। केंद्र ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 6 सीमावर्ती राज्यों को 1 अरब 13 करोड़ रुपए जारी किए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार जोरों पर। तमिलनाडु में दीपों का त्यौहार दीपावली आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। देश के अन्य हिस्सों में दीपावली कल मनाई जाएगी। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा।
समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि मजबूत भारत विशेषकर अनिश्चितताओं और चिंताओं से भरे विश्व में शांति और स्थिरता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अपने सरकारी आवास पर परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत के चालक दल का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक अरब से अधिक भारतीय मजबूत और नए भारत की आकांक्षा करते हैं ताकि उनकी आशाएं और अपेक्षाएं पूरी हो सकें। उन्होंने कहा कि शांति भारत की कमजोरी नहीं ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता समय की आवश्यकता है और आईएनएस अरिहंत की सफलता परमाणु ब्लैकमेल करने वालों के लिए करारा जवाब है। अरिहंत की सफलता देश के लिए एक बहुत बड़ी एक बेमिसाल उपलब्धि है। देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अरिहंत भारत के दुश्मनों के लिए, शांति के शत्रुओं के लिए एक खुली चेतावनी है कि वे भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस न करें। त्रिआयामी परमाणु प्रक्षेपण क्षमता प्राप्त करने में आईएनएस अरिहंत की सफलता को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने चालक दल और उसमें योगदान करने वाले अन्य सभी लोगों को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते भारत के परमाणु कमान प्राधिकरण के तहत उसके पास व्यापक परमाणु कमान तथा नियंत्रण ढांचा, प्रभावी सुरक्षा गारंटी संरचना और कड़ा राजनीतिक नियंत्रण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता और पहले इस्तेमाल नहीं करने के सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से किए गए परमाणु परीक्षणों की बदौलत भारत ने विश्वसनीय त्रिआयामी परमाणु मिसाइल प्रक्षेपण क्षमता हासिल की है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सफनागरी जैनपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच रात भर चली गोलीबारी में दो आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है और तलाशी अभियान अब भी जारी है। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में विशेष अभियान दल के जवानों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी के बाद पापलूर, सन्यासीगुड़ा और कुरमानूर क्षेत्रों में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। कल रात भुवनेश्वर में ये जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक जगमोहन मीणा ने बताया कि बरामद किए गए हथियारों में दो FLR राइफल्स, एक इंसस, एक 303 राइफल, तीन हथगोले और बड़ी संख्या में कारतूस शामिल हैं। केंद्र ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 6 सीमावर्ती राज्यों को 1 अरब 13 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये राशि असम, नागालैंड, सिक्किम, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड को दी गई है। एक रिपोर्ट। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 17 राज्यों के 111 जिलों को शामिल किया गया है ताकि इन इलाकों में रहने वाले लोगों की विशेष जरूरतों को पूरा किया जा सके। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, पेयजल आपूर्ति, सामुदायिक केंद्र आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। भारत ने डिजिटल इंडिया नाम से एक ऐसे मिशन की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस पहल में ग्रामीण और शहरी भारत को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है। कोहिमा से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कार्यक्रम में ऐसी परियोजनाएं शामिल हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि सभी सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध हों और लोगों को नवीनतम सूचनाएं तथा संचार प्रौद्योगिकी का लाभ मिले।
कोहिमा जिले में एक सामान्य सेवा केंद्र चलाने वाले किगवामा गांव के थेजा का कहना है कि अंडर डिजिटल इंडिया मिशन डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सामान्य सेवा केंद्रों ने सरकारी सेवाओं को बेहद आसान बना दिया है। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सहयोग से मेरा केंद्र नागरिकों के लिए सेवा केंद्र के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा ऑनलाइन पैन कार्ड और जीएसटी पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध डिजिटल इंडिया मिशन से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काफी फायदा हो रहा है। कोहिमा से मैंगो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अनीशा खन्ना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भैया एक कोला देना। अगले 3 दिन तक ठेला नहीं लगेगा, गांव जा रहा हूँ। मैंने अब तक अपना आधार नहीं बनवाया है ना? पर आधार बनवाने के लिए आपको गांव जाने की क्या जरूरत है, वो तो यहीं से बन जाएगा। बस किसी भी नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाएं और अपना आधार बनवा लें। अगर आधार में कोई अपडेट करना हो जैसे कि घर का एड्रेस या मोबाइल नंबर वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज बताई आपने। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। खुजली झटपट दूर करे मोहजालिन लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार कार्य जोरों पर है। इस चरण में 18 निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के लिए विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी सभा और जनसंपर्क करके समर्थन मांग रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से ज्यादातर क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं, इसलिए प्रत्याशियों को कड़ी सुरक्षा दी गई है। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना निर्वाचन आयोग के लिए हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन के विशेष पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने बताया कि राजनीतिक दलों से कहा गया है कि ऐसे इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए जाने से पहले पुलिस को पूर्व सूचना दी जाए ताकि प्रत्याशियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको ये सूचित करें कि जब भी कोई कैंपेन अंदर होता है तो पहले से बताएं, जिससे कि प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा सके। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि प्रदेश के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में प्रत्याशियों को उनकी मांग के आधार पर आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। सभी जिले के कलेक्टर्स और SPs को निर्देशित कर दिए हैं कि जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें जो कैंडिडेट जो फाइनल हुए हैं उनको उनकी मांग के आधार पर आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मध्य प्रदेश में इस महीने के 28 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए 394 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। सबसे ज्यादा 28 नामांकन रीवा विधानसभा क्षेत्र में दाखिल किए गए हैं। इस बीच कांग्रेस ने 13 प्रत्याशियों की तीसरी सूची कल शाम जारी की। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और प्रचार समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम इस सूची में शामिल नहीं हैं। समूची तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत में अनेक स्थानों पर आज दीपावली पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रकाश पर्व पर लोगों को बधाई दी है। तमिलनाडु में प्रातः उठकर तिल के तेल का स्नान करने और नए वस्त्र पहनकर मंदिरों में जाकर विशेष पूजा अर्चना करने की परंपरा है। दिवाली के मौके पर राज्य के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। राज्य परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने चेन्नई से अपने गांव और घरों की यात्रा की। आज शाम लोग पटाखे जलाकर अपने जीवन से बुराई को खत्म करने का प्रयास करेंगे। हालांकि पिछले साल की तुलना में पटाखों की बिक्री में उत्साह कम देखने को मिल रहा है। ज्यादातर लोग ग्रीन दिवाली अपनाकर इस त्यौहार को मनाना चाह रहे हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से ममता किरण। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आज शाम दीपावली के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अनेक गण्यमान्य लोग इस समारोह में उपस्थित रहेंगे।
यह लगातार दूसरा अवसर है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में दीपावली मनाएंगे और सरयू नदी के किनारों पर 3 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित करके विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जुंग सुक इस अवसर पर सरयू किनारे बनने वाले दक्षिण कोरियाई रानी हो के स्मारक की आधारशिला भी रखेंगी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अयोध्या की राजकुमारी थी जिन्होंने दक्षिण कोरिया जाकर वहां के राजा के साथ विवाह किया था। इस मौके पर सरयू नदी के जल में राम कथा पर आधारित वाटर लेजर शो होगा और विभिन्न देशों के कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज लखनऊ के नवनिर्मित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। कोलकाता में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर 1-0 की बढ़त ले ली। श्रृंखला का अंतिम मैच 11 नवंबर को चेन्नई में खेला जाएगा। राफेल नडाल घुटने की चोट के कारण इस महीने के अंत में होने वाले एटीपी फाइनल्स में हिस्सा नहीं लेंगे। नडाल के प्रतियोगिता से हट जाने से इस वर्ष की शीर्ष वैश्विक रैंकिंग में नोवाक जोकोविच का पहला स्थान हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करने वाली ओजोन परत को हुई क्षति रोकने के उपायों के वांछित परिणाम सामने आए हैं। ये जानकारी कल इक्वाडोर में एक सम्मेलन में दी गई। उत्तरी गोलार्ध पर ओजोन की परत को हुए नुकसान की भरपाई 2030 तक पूरी हो जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonaia.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। कुष्ठ रोग किसी को भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, लिंग, सामाजिक, आर्थिक स्तर का हो। इसका संपूर्ण इलाज उपलब्ध है। कुष्ठ रोगी के हाथ, पैर और चेहरे पर आई विकृतियों को ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जा सकता है। केंद्रीय कुष्ठ प्रभाग स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद चंद्रिका। परमाणु पनडुब्बी अरिहंत के पहले प्रतिरोधी गश्त को सफलतापूर्वक पूरा करने के अवसर पर दिए गए प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को अखबारों ने अहमियत दी है कि कोई छेड़े तो हम छोड़ेंगे नहीं। राष्ट्रीय सहारा ने बॉक्स में लिखा है, प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा, अरिहंत परमाणु हथियारों की ब्लैकमेलिंग का मुंहतोड़ जवाब। जल, थल और वायु से परमाणु हमला करने वाला देश बना भारत, लिखता है देशबंधु। जनसत्ता की खबर है, ब्रिटेन ने अपने सशस्त्र बलों में कमी दूर करने के लिए राष्ट्रमंडल देशों के आवेदकों के लिए भर्ती खोली। अब भारत के लोग ब्रिटेन में सैन्य सेवाओं के लिए आवेदन दे सकेंगे। दैनिक जागरण की खबर है, अमरीका ने ईरान पर लगाया अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंध। जनसत्ता की खबर है, कश्मीर के राज्यपाल ने कहा, अगले 6 महीने में प्रशासन सभी पक्षों से बातचीत का माहौल बनाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स ने धनतेरस पर मिलाजुला रुझान बरकरार रहने के साथ लिखा है, आभूषण बिक्री फीकी, सिक्के चमके। हरिभूमि ने सुप्रीम कोर्ट की उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करने का समाचार दिया है जिसमें विस्फोटक रूप से बढ़ रही जनसंख्या पर अंकुश के लिए विचार किया जाना था। अखबार ने लिखा है, जनसंख्या विस्फोट से पर्यावरण हो रहा पूरी तरह प्रदूषित। एनसीआर में पछुआ हवाओं ने खोला पराली का धुआं, लिखा है दैनिक जागरण ने। अमर उजाला ने सांसों का संकट शीर्षक से लिखा है, पराली के धुएं से बड़ा वायु प्रदूषण। राष्ट्रीय सहारा ने दिवाली से 2 दिन पहले दिवाली की हवा सबसे खराब स्तर पहुंचने को बॉक्स में दिया है। पत्र ने प्रदूषण से बचाव के लिए कुछ उपाय भी सुझाए हैं। दैनिक भास्कर ने इसे जानलेवा हालात बताया है। इकोनॉमिक टाइम्स की पहली सुर्खी है, जहरीली हवा से राहत, दिल्ली को राहत दिलाएगी कृत्रिम बारिश। देशबंधु ने पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार 5वें दिन गिरावट को मुखपृष्ठ पर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत की सफलता परमाणु ब्लैकमेल करने वालों को करारा जवाब है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। केंद्र ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 6 सीमावर्ती राज्यों को 1 अरब 13 करोड़ रुपए जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार कार्य चरम पर और तमिलनाडु में दीपों का त्यौहार दीपावली पारंपरिक श्रद्धा के साथ आज मनाई जा रही है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।